जल्दी 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 और जल्दी चलो, ये सिनिस्टर एक्स बच गया। अगर मेरे हाथ आ जाता ना आतिश की तो मैं, ये सब छोड़ो, तुम भी चलो यहाँ से, चलो भागो, बहुत मुश्किल से निकले हम। आराम से आराम से आराम। क्या हो तुम? एक काम करो, तुम दो मिनट रेस्ट कर लो। मुझे नहीं, अभी हमें जाना, अभी चलते। अरे अभी चलते, चला नहीं। क्या, चलो यहाँ से, तुम्हारी सांस इतनी फूल रही है, तो कह रहा हूँ ना दो मिनट रेस्ट कर लो, कोई नहीं आ रहा हमारे पीछे, और वैसे भी हम बहुत दूर आ चुके हैं। आजा आजा निकलो यहाँ से। मिस्टर रेक्स से बचकर भागना आसान नहीं है, हमें पता है तुम लोग यहीं कहीं छुपे हो, बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे हम तुम्हें। मैं हूं ना, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। बहुत हो गया छिपना छुपाना, इनको तो मैं बताता हूं। आज 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 तो मैं मेरी कसम, छोड़ो इस। शायद उधर है वे दोनों। जल्दी 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 जल्दी। कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो, चलो। गॉड, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। क्या हुआ तुम्हें बताओ? जे कुछ भी नहीं हुआ। सच सच बताओ, एक सेकंड। तुम आदे, तुम्हारे पैर में इतनी चोट लगी, तुम कैसे चल पाओगी? जे कोई बात नहीं, अभी चलते हैं। नहीं आदे, हम नहीं चलते होंगे। जे प्लीज चलो यहाँ से, चलो। एक मिनट, एक रास्ता है, एक मिनट। इधर चलो। अरे यहाँ बैठे, हमें यहाँ छुपना हो। लेकिन हम दोनों यहाँ कैसे छुपेंगे? लड्डू हट, लड्डू मत बुलाओ मुझे। मैं क्या लड्डू? बंद करने दो, अंदर हो ना। कहाँ गए वो दोनों? अभी तक यही सोच रही थी कि काश ये दिन मेरी लाइफ में आया ही नहीं होता, काश इसे मैं डिलीट कर पाती, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे ये पल यहीं थम जाए हमेशा के लिए। तू भी आ तो, क्यों सोचती है वो सब जिस पर तेरा हक ही नहीं है? संभाल खुद को।
कैसे अब्बा, क्या हो गया? आद्या तू, तुम्हें पता है ना मेरा, मैं रोज रायता फैलाता हूँ और रोज समेटता हूँ, और हर बार की तरह ये बार भी मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। क्या ये? कोई रोना वोना नहीं है, टेंशन मत लो। सारे बाल नाक पे जा रहे हैं मेरे। वो मारे ना मारे तो मुझे मार दोगी। मुझे लगता है कि मुझे लगता है वो लोग चले गए। जाएं क्या? नहीं नहीं नहीं, रुक जा, क्या पता वो लोग यहीं घूम रहे हैं। अभी अभी रुक जा यार, थक गया हूँ मैं ऐसे छुप छुप के। एक तो ना ये सब कुछ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? बेकार की जिद, और करो जिद। मैं जिद की? तुम अपने बॉयफ्रेंड को ऐसे छुपा रही थी जैसे जैसे कोई लड़का नहीं कोई दूर का हीरा हो। सही टाइम का वेट करी थी ना, इसलिए मना करी थी मैं गाड़ी में बैठने से। लेकिन तुम तो तुम हो, तुमने तो मेरी बात सुननी नहीं है। हाँ, जैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड ना हो गया, हनुमान जी की कोई पूजा हो गई, तो उसका सही टाइम आएगा, सही मुहूर्त आएगा, तभी वो निकलेगा। अरे जैसे तुम खुद आती वैसे अपने बॉयफ्रेंड को भी ले आती, तो ये स्यापा होता ही नहीं। तभी मैं तुम्हें स्यापा कहता हूँ। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मेरी हाँ, गलती तो मेरी ही है। अगर मैं बेकार की जिद नहीं करता तो ये मुसीबत आती ही नहीं। शायद गलती मेरी ही है, अगर मैं वो बॉयफ्रेंड वाला झूठ ना बोलती तो हम इतनी परेशानी में नहीं होते। वो मैं देखता हुआ गाड़ी चल गया तो आई एम श्योर रुकेगी भी तो सही ना। तो जब रुकेगी तो उतर जाएगी या? या? तब तक एंजॉय द राइड। सोचो क्या है? कुछ नहीं। तुम समोसे खाओ, लड्डू खाओ, गोलगप्पे खाओ, मत खाया करो ना। जैसे तुम तो लाते ही नहीं हो मेरे लिए। हाँ तो लाता हूँ। तो रुक गई। रुक गई? भी फोन स्विच ऑफ आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं मैं, इसलिए चलाया यहाँ पे जैसे बात करने के लिए। अच्छा किया शुभंकर जी, लेकिन जय तो अभी तक घर आया नहीं। हाँ अंकल जी, यहाँ बता रहा जय राधे साथ में ऑफिस से निकले, फिर अब तक तो आ जाना चाहिए था उनको। शुभंकर जी, हो सकता है रूपा ने ऑफिस के काम से उन्हें बाहर भेज दिया हो। जब से रूपा ने जय का रेडियो स्टेशन टेक ओवर किया, उसका काम भी बहुत बढ़ गया है। बल्कि वो खुद भी आज घर नहीं आई, उसने मैसेज भेजा था कि कोई मीटिंग है, वो देर से आई। क्या करूं मैं, फायर कर दूं? अरे नहीं नहीं शुभंकर, ये आप टेंशन मत लो, जय है ना आध्या के साथ, कुछ नहीं होगा उसे। और कोई गड़बड़ नहीं प्लीज, और कोई गड़बड़ होनी बाकी है क्या? जेब में पैसा नहीं है, खाने को खाना नहीं है, इतनी भूख लग रही है, फोन की बैटरी डेड है, और ये देखो यहाँ हम सुनसान में भूतों की तरह भटक रहे हैं। वाह, इससे अच्छा कुछ हो सकता है? रुलाओगे क्या? ओ देखो आद्या,
जितना बुरा होना था अब हो चुका है, अब सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा। I hope so. लो, सच हो गई मेरी बात। वो लॉज देख रही हो? वो देखो। Finally. चलो, चलते हैं। वहाँ खाने को खाना भी होगा, रेस्ट करने के लिए रूम भी होगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बाथरूम भी होगा। होटल संस्कार। होटल नाम से तो संस्कारी है, लेकिन थोड़ा शेडी नहीं है जय? अरे चिल्ला आद्या, मैं हूँ ना। वैसे भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड की ऐसी 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 फिल्मी सिचुएशन में फंस गए ना कि अब क्या करें? मेरा बॉयफ्रेंड या तुम्हारी जिद? अरे यार जो भी, अब छोड़ो ना, मुझे बाथरूम जाना है। जल्दी चलो प्लीज, प्लीज प्लीज जल्दी चलो। अच्छा आराम से, मैं बात करता हूँ। भैया एक रूम चाहिए। इसलिए? अरे होटल का नाम संस्कार है तो क्या बाबूजी बनोगे, सवाल करोगे? देखो भैया, कोऑपरेट करना है तो कोऑपरेट करो, वरना जाओ बाहर जाके खड़े रहो। अरे ये शादी के सड़े फूफा जी जैसी शक्ल क्यों बना रखी है? बंदा क्यों रूम लेता बताओ? रिलैक्स करने के लिए लेता ना, तो रिलैक्स ही तो करना है। आपके पास चार्जर होगा क्या? है ना मैडम। ये लो, जल्दी दो ना यार। पापा की इतनी सारी मिस कॉल्स। कहाँ है तू? इतनी देर से फोन लगा रहा हूँ तुझे, तेरा फोन नहीं लग रहा है। वो पापा सॉरी, मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी। कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, जय है मेरे साथ। घर कब तक आ रही है तू? वो थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट आप घबराओ मत, मैं आ जाऊँ। लो जल्दी चाबी दो इसे। देखो भैया, रिलैक्स करने वाला जो रूम है उसका 6,000। 6,000? हाँ। क्यों वहाँ पे क्या परी आके मसाज करने वाली है मेरी? अरे रूम का किराया तो 1,000 है, 5,000 रुपए तुमसे डिपॉजिट लूंगा। भैया बात सुनो, सुनो सुनो, सिर्फ 2-4 घंटे की बात ही है। अरे भैया 2-4 घंटे से ज्यादा यहाँ रुकता ही कौन है? अरे ओ अश्लील आदमी, ओ ये सारी बातें छोड़, चल रुक दे, दे दूंगा तेरे पैसे, दे दूंगा। भाई पैसे एडवांस ही चाहिए, वरना मैं रूम और गाली दोनों देता हूँ। अरे भाग थोड़ी रहा हूँ कहीं, दे बोला ना, दे दूंगा पैसे, तू चाबी देना यार जल्दी। डिसाइड कर लो तुम्हें क्या चाहिए। 6,000 और जेब में 6 रुपए नहीं है, 6,000 मांग रहा है ये लड़की ऐसी ड्रेस में, मतलब मामला 100% गड़बड़ है। सुनो अंकल, भैया सॉरी, आई मीन सर, सर सर आप मुझे पहचान नहीं रहे। मैं अपने इश्क एफएम 104.8 का नाम तो सुना ही होगा, उसका फेमस आरजे हूं मैं। नहीं सुना कभी भी? हाँ तो आपकी बैड लक है, नहीं सुना तो? देखो हे ना, मैं दिल्ली में वर्ल्ड फेमस आरजे हूं। एक नाम ले लिया ना आपके होटल का, लाइनें लग जाएंगी यहाँ पे। अरे भैया लाइन तो ऐसे भी लगती है मेरे यहाँ। भाई तो समझ नहीं रहा, मैं सेलिब्रिटी हूँ, स्टार हूँ, स्टार। फेसबुक पे ही मेरे हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं। 25,000 मेरे भी, जितने भी यहाँ कस्टमर है ना सब मेरे फोटो में लाइक करते हैं। स्टार मैं भी हूँ। मानने वाला नहीं भाई, तो एक काम करिए, ये पकड़। ये मेरी घड़ी ना तेरे रेंट से 10 गुना ज्यादा की है, ये रख और जल्दी से रूम की चाबी दे, जल्दी दे, रुका नहीं जा रहा मेरे से, जल्दी दे। चोरी की है क्या? चोरी की थोड़ी है, मेरी घड़ी है, देना यार चाबी देना। तू देर मत करना, फालतू की बातें मत कर, जल्दी चाबी दे। देता हूं, जल्दी दे दे, रुका और नहीं जा रहा है। जल्दी दे, आजा रूम में आजा, जो करना आराम से करना। मैं फोन चार्ज करके आ रहा हूं। हां यार जा रहा हूं मैं, सारी को फोन करती हूं। चलो भैया, थैंक यू। थैंक यू मैडम। हेलो सावी, बैब कहाँ है यार तू, और तेरा फोन क्यों बंद था? पता है अंकल कितना परेशान हो रहे थे। सावी मेरी पापा से बात हो गई है, वो सब छोड़, एक बात बता, जब मैंने तेरे घर पे फोन किया था तो किसने फोन उठाया था और किसने कहा जैसे कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है? कहाँ से आया ये बॉयफ्रेंड? अच्छा वो, हाँ वो मैं तुझे बाद में बताती हूँ, पहले तू बता तू है कहाँ। मैं ये कोई होटल संस्कार है वहाँ पर। कौन सा होटल में आया हूँ मैं? हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग। हाँ साहब क्या हुआ? जल्दी आओ यार, ये पानी क्यों नहीं आ रहा अंदर? अब पानी वहाँ पे आ रहा है ना, आ जाओ। तो यहाँ क्यों नहीं आ रहा पानी, जल्दी चल। अच्छा संस्कार लॉज में तू, फैंटास्टिक, अब सब ठीक हो जाना है। क्या ठीक हो जाएगा? तेरी हर प्रॉब्लम का जवाब मिल गया है मुझे। कैसा जवाब? थोड़ी देर में तुझे सब पता चल जाना है। अरे कॉमन बाथरूम है, आप यहाँ चले जाए, पानी आता है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया भैया, और ये सारा कॉमन बाथरूम 3 मील दूरी बनवाना था क्या आपने? अब जाइए, थैंक यू। अरे
सुन यार, ये कहाँ फंसा दिया यार तूने मुझे यार। तेरा ये काम सुन के ना यार मेरी हालत से ज्यादा तो मेरा पेट खराब हो गया है। तुझे पता है मैं कितने बार बाइक रोक रोक के टॉयलेटों में जा रहा हूँ। अरे यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उसको अभी तक मिला नहीं हूँ तो ये हाल है, जब मिलूंगा तो पता नहीं क्या होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यार, तू पहले ये बता दे कि कोई टच टुच करने वाला मामला तो नहीं है ना। अरे बेचारा, किसी ने इसकी कैसी हालत खराब कर रखी है ना। अच्छा ठीक है, काम हो जाएगा यार। हाँ देखा मैंने उसे, बाहर ही है वो, पता नहीं अपना कोई मोबाइल शोबाइल चार्ज कर रही थी। ठीक है मैं बाइक पे बिठा के लेके आता हूँ उसे। क्या, फोन तो बाहर आधा चार्ज कर रही है, कोई और भी है क्या वहाँ? था कौन ये, कहीं ये मिस्टर एक्स का आदमी तो नहीं? ओए रुक, ये भैया यहाँ पे लड़की की फोन चार्ज कर रही। छोड़ना यार ये तो फोन। समझ नहीं आ रहा है। अरे वो वहां पहुंचा या नहीं? कौन कहां पहुंचा? हेलो, हाँ क्या कह रही है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हेलो प्लीज अपनी बाइक बंद करो, कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज अपनी बाइक बंद करो, कुछ सुनाई नहीं। हेलो सेवी, क्या बोल रही हो? प्लीज अपनी बाइक बंद करो। अरे हाँ भाई, क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अबे तेरी आप बता, लड़की को क्या कर रहे? तू मिस्टर एक्स का आदमी है ना, तेरा तो सिर फोड़ दूंगा मैं। अबे ओए ओए चुप। और तू हेलमेट हटा। तुम यहां? पीके आद्या जी, मेरा मतलब है आद्या का बॉयफ्रेंड। अपने भाई को भेज दिया है मैंने तेरा नकली बॉयफ्रेंड बना के, वो सब संभाल लेगा। चिल मार बैब, सब ठीक हो जाना है।